यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जनपद आगरा में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 1,25,000 परीक्षार्थी इस बार जनपद आगरा में परीक्षा देंगे, जिन पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर आगरा प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ये कंट्रोल रूम है, और आगरा के अंदर जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी निगरानी यहीं से रखी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार जो नकल कराने वाले कॉलेज हैं उन पर रासुका भी लगाई जाएगी। इस तरीके से लगातार जो है नकल के मामले सामने आते थे, इसको रोकने के लिए सरकार ने जो है बड़ा कदम उठाया। अब देखने की बात है कि जनपद आगरा के अंदर 163 परीक्षा केंद्र बने हैं और किस तरीके से उन पर जो है निगरानी रखी जाएगी। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा। 16 जो परीक्षा केंद्र है बोर्ड के, तो जितने रूम एग्जामिनेशन के लिए अलॉट हैं या परीक्षा कक्ष हैं, उन सभी को यहाँ से कनेक्ट किया गया है कैमरों से, और यहाँ जो कैमरे कनेक्ट है यहाँ से फिर कंट्रोल रूम में लगभग कंट्रोल रूम से कनेक्ट जोड़ा गया है, जिससे उनकी निगरानी की जा सकती है। यहाँ पर सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। नकल भी परीक्षा एक बार नकल परीक्षा रोकी जाएगी, बिल्कुल रोकी जाएगी।